रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इस त्यौहार में इस बार कोरोना के चलते बहनें अपने भाई के पास राखी बांधने नहीं जा पा रही, इसलिए बहनें इस बार डाक विभाग के माध्यम से अपने भाइयों को राखी भेज रही हैं। भिवानी डाक विभाग ने बहन भाई के इस प्यार के त्यौहार को देखते हुए रविवार व शनिवार के दिन के साथ साथ बाकी की सभी छुट्टियों के दिन में विशेष सुविधा दी है। डाक विभाग इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर अतिरिक्त कार्य करेगा। इसके लिए डाक विभाग ने 31 जुलाई, 1 अगस्त व 2 अगस्त की छुट्टी के दिन में विशेष कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। छुट्टी के दिन हालांकि डाक विभाग राखियों की ही बुकिंग करेगा और राखियां वितरित करेगा। इसके लिए डाक विभाग ने अपनी कमर कस ली है। डाक विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि इस बार ज्यादा राखियां वितरित करनी होगी। इसके लिए सभी छुट्टियों के दिनों में डाक कर्मचारी छुट्टी ना मारकर काम करेंगे ताकि किसी भी भाई की कलाई खाली ना रहे और किसी बहन के अरमान अधूरे ना रहे। भिवानी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। राखी का त्यौहार इस साल 3 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि राखी के त्यौहार पर कोरोना वायरस का असर काफ़ी मिल रहा है। इस बार घर से दूर रहने वाले भाइयों को राखी पहुँचाने के लिए बहनें डाकघर के माध्यम से राखी पहुँचा रही हैं। बहनों की इस उमंग को देखते हुए राखी त्यौहार के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग में विवाणी मंडल द्वारा भाई बहनों के लिए विशेष तौर पर राखी के लिए तैयार राखी के लिए विशेष लिफाफे लेकर आया है। इन लिफाफों की विशेषता है कि ये अंदर से भीगने के बाद भी इसके अंदर से राखी सुरक्षित रहती है। उन लिफाफों का मूल्य केवल 10 रुपये रखा गया है, पर इन पर अतिरिक्त डाक शुल्क देय होगा। निर्धारित दरों पर स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री द्वारा भिजवाई जा सकती हैं। राखी मेल के लिए प्रधान डाकघर में पोस्ट करने के लिए अलग लेटर बॉक्स की व्यवस्था की गई है तथा इनको अलग से भिजवाने की भी व्यवस्था की गई है। राखी लिफाफे भिवानी मुख्य डाकघर, तरखी दादरी, लोहारू, शिवानी, तोसाम डाकघर में विशेष तौर से उपलब्ध हैं। और राखी से पहले जिनकी डाक विभाग द्वारा जो 1 और 2 तारीख को छुट्टी पड़ रही है तो उनसे पहले वितरित करवाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है छुट्टी वाले दिन भी। तो बिल्कुल भाइयों को बिना राखी के बहनों की राखी से वंचित नहीं रहने देगा डाक विभाग। हाँ बिल्कुल, डाक विभाग हर क्षेत्र में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है, जहाँ भी सेवाएं दे सकता है, वहाँ अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और सेवाएं देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। इसके अलावा जो 3 तारीख को हमें राखियाँ प्राप्त होंगी उनको भी दोपहर से पहले पहले उनके भाइयों तक वितरण की विशेष व्यवस्था सोमवार को की जाएगी। क्या नाम है आपका? रचना। रचना जी, क्या कहेंगी आप इस प्रकार से डाक विभाग ने जो फैसला लिया है? कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की जैसा कि हिदायतें हैं कि हम अपने घरों में ही रहें, तो सरकार की हिदायतें मानते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि इधर उधर ना जाएं। तो इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के मद्देनजर जो डाक विभाग ने फैसला लिया है कि राखियां सभी छुट्टियों को कैंसिल करते हुए डाक विभाग सभी बहनों की राखियां उनके भाई तक समय से पहुंचाएगा, तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि इस काल के दौरान भी क्या होगा, हमारी जो राखियां हैं हमारे भाइयों तक पहुंचेंगी और हमारा जो त्यौहार है, चलो पहले की तरह नहीं लेकिन फिर भी हम लोग हंसी खुशी मना पाएंगे। जी क्या नाम है जी आपका? मीनू। मीनू जी, क्या कहेंगे जो डाक विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो बहन भाई का जो प्यार है, प्रेम का त्यौहार है, उसको पूर्ण रूप से वो मनवाएंगे, क्या कहेंगे आप? डाक विभाग का जो फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है। कोविड-19 में हम लोग अपने घरों में बैठे हैं जिस वजह से ये त्यौहार मनाने में दिक्कतें थी, और डाक विभाग के इस फैसले की वजह से हमारा ये त्यौहार मन सकता है, हमारे भाइयों की कलाइयों तक राखी समय से पहुंच सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.